हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है, और टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस की तरफ से भी आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है। और दोस्तों, दूसरी खुशी की बात यह है, आप लोग मुझे काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर कंप्यूटर का एक नया बैच स्टार्ट करिए, ऑनलाइन है। तो मैं आपको बता दूं, मैं कंप्यूटर का एक नया बैच है जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, ऑनलाइन है। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है न्यू टेक क्रिएटर है, जिसपे मैं आप लोगों को ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास सिखाऊंगा। तो अगर आप मेरे से कंप्यूटर ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो जल्दी से यूट्यूब में जा करके सर्च करिए न्यू टेक क्रिएटर है। जो पहला चैनल आएगा उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जल्दी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि एक नया बैच कौन से दिन से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ एमएस वर्ड के अंदर मैथ का नोटबुक कैसे बनाते हैं। इसके पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था हिंदी का नोटबुक और इंग्लिश का नोटबुक है। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप मैथ का नोटबुक देख रहे हैं, अगर आप इसे एमएस वर्ड में बना लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ इस वाले प्रोजेक्ट को आप एमएस वर्ड के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से बनाया हुआ है, ये देखिए दोस्तों। तो मैं एक नया पेज लेकर के मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो नया पेज लेने के लिए मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया कंट्रोल एन है। तो यहाँ पे मेरे पास एक नया पेज आ गया। दोस्तों, इस वाले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है टेबल है, जिसके लिए आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करके ये दिया हुआ है टेबल, इसमें जाना है और इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देना है। इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। तो कॉलम में आपको यहाँ पे लेना है 2 और रो में आपको लेना है यहाँ पर 3, और ओके पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट रो दिया हुआ है, इसमें क्लिक करके आपको जाना है लेआउट में, और ये दिया हुआ हाइट, आपको इसे इंक्रीज कर देना है। मिनिमम आपको लेना है 1 इंची, तो मैंने यहाँ पे 1 इंची ले लिया, क्योंकि किसी भी कॉपी में टॉप से अब लेफ्ट साइड से जो मार्जिन होता है वो 1 इंची का होता है, तो हमने यहाँ पे लिया है 1 इंची। अब इस वाले टेबल को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए ये दिया बॉक्स है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और इसे आपको ऊपर की ओर ड्रैग कर देना है इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग किया है। और इसके बाद दोस्तों, ये जो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, इसे आपको यहाँ पे लास्ट में इंक्रीज कर देना है, ठीक है, ड्रैग भी कर सकते हैं। तो मैंने आप यहाँ पे लास्ट में इसे सेट कर दिया। इसी तरीके से ये जो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, आपको लेफ्ट से भी देना है 1 इंची का मार्जिन। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी विड्थ में यहाँ पे कम कर देता हूँ, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कम कर दिया और यहाँ पे दे दिया मैंने 1 इंची, और ये जो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, इसे यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ लास्ट तक। इतना करके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 2 रो, इन दोनों को सेट करना है। इसमें हाइट काफ़ी कम है, तो ये दिया हुआ हाइट, इसे आपको इंक्रीज कर देना है। मैंने यहाँ पे लिया है 0.4 इंची। अगर आपको 0.4 इंची लेना है, इतना भी ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो ज़्यादा हाइट लेने पर बॉक्स बड़े बनेंगे, और कम हाइट लेने पर बॉक्स छोटे बनेंगे। तो यहाँ मैंने अंदाज से इतना ले लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बनाना है बॉक्सेस, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। तो बॉक्सेस बनाने के लिए ना, ये जो रो दिया हुआ है, इन दोनों रो को पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये दिया हुआ है लेआउट, इसमें जा करके, और इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है स्पीड सेल। दोस्तों, स्पीड सेल का जो काम होता है, जब कभी भी एमएस वर्ड के अंदर टेबल बनाना हो, जैसे मान लीजिए ये हमने पहले से टेबल बनाया हुआ है, अब इसके अंदर हमें बॉक्सेस बनाना है, तो यानी कि टेबल के अंदर टेबल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पीड सेल है। तो यहाँ पे मैं दोनों को सेट कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्पीड सेल पर, और ये दिया है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। तो रो तो हमारा यहाँ पे 2 है ही पहले से, हमें इसके अंदर बनाना है बॉक्सेस से, यानी कि कॉलम। तो कॉलम में 14, 15 जितना आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 14, और ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये बन के आ गया हमारा बॉक्सेस। तो दोस्तों, यहाँ पर एक मैथ का नोटबुक बनाने के लिए सिर्फ इतना ही काम करना पड़ता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें फॉर्मेटिंग करना है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ 2 रो, हमें और भी रो यहाँ पे इंसर्ट कराना है। तो कहीं भी बीच में क्लिक करके लास्ट वाले रो में, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है लेआउट में, और ये दिया हुआ है इंसर्ट बिलो। जैसे आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे आपका टेबल बनता जाएगा, ये देखिए। तो ये हमारा मैथ का नोटबुक तैयार हो रहा है। तो जो भी हमारा एमएस वर्ड का साइज है, लास्ट वहाँ तक हमें इस पर क्लिक करते जाना है, ठीक है, ये देखिए। तो हमने यहाँ पे यहाँ तक इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऊपर टॉप में हमें बनाना है एक बॉक्स, लेकिन उससे पहले ये दिया है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हमें करना है रेड, और ये डबल लाइन भी है। तो ऐसा बनाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टेबल डिजाइन है, और ये दिया हुआ है बॉर्डर पेंटर,
और देखिए इसके अंदर यहाँ पे देखिए आपको लेना है यहाँ पर रेड कलर है, और ये दिया हुआ है सिंगल लाइन डबल लाइन जो भी लेना है, तो हमें क्रिएट करना है डबल लाइन में, तो डबल ले लिया और यहाँ पे इसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से इंक्रीज कर दिया। ये देखिए बस यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ये हमारा बन के आ जाएगा, तो जहाँ तक मैं ड्रैग करूँगा ना वहाँ तक ये हमारा टेबल डबल लाइन और रेड कलर में आ जाएगा। तो इतना करने के बाद अब ये जो हम यहाँ पे टेबल ड्रैग कर रहे हैं इसे कैंसिल करना है, तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से एस्केप की भी प्रेस कर सकते हैं। अब दोस्तों इतना तो हमने बना लिया है, अब लास्ट यहाँ पे बचा हुआ है ये बॉक्स है और डेट और पेज नंबर। तो सिंपल सा मैंने पहले की दो वीडियो में बता रखा है, सेम उसी तरीके से आपको इस वीडियो में भी बनाना है, ठीक है। तो इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे चलेगा शेप में और ये दिया हुआ है राउंडेड रेक्टेंगल, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बना लिया, ठीक है। अब इस वाले बॉक्स को करना क्या है, आपको यहाँ पर डाउन एरो की से थोड़ा सा नीचे कर लेना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। और सेव फील्ड में जा करके यहाँ करना नो, और सेव आउटलाइन में जा करके इसे करना है ब्लैक। अब इसके अंदर हमें टाइप करना है डेट और पेज नंबर, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करके और ये दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स से और नीचे दिया हुआ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स से, तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है और इसमें आपको टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पर टाइप कर दिया मैंने डेट और यहाँ पर डॉट लगा दिया कीबोर्ड से डॉट की, ठीक है, इतना हमने ले लिया और इंटर करके यहाँ दे दिया मैंने जैसे पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर दे दिया और यहाँ पे डॉट मैंने इस तरीके से लगा दिया। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना है, और इतना करने के बाद इसके अंदर कलर दिया होता है वाइट है, तो यहाँ पे आपको सेव फील्ड में जा करके करना है नो, और सेव आउटलाइन में जाकर भी इसे करना है नो, ताकि जो भी इसका कलर है हट जाए, और इसे आपको यहाँ पर इसे सेट कर देना है, ठीक है। और ये दिया हुआ है बॉक्सेस रेड कलर में, तो आपको यहाँ बॉक्स में क्लिक करना है, ठीक है, ऐसे, और ये दिया हुआ टेबल डिजाइन, टेबल डिजाइन चाहे सेव फॉर्मेट है, और सेव फील्ड में जा करके इसे आपको कर देना है रेड है, लेकिन फिल नहीं करना है हमें, आउटलाइन करना है ना, लाइन करना है रेड में, तो ये दिया हुआ है सेप आउटलाइन और यहाँ से कर दिया मैंने रेड, ठीक है। तो जैसा भी प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारा बना था वैसे ही सेम हमने यहाँ पे बना लिया। अब ये जो डार्क दिख रहा है इसे जब मैं पेज को छोटा करूँगा तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा, ये देखिए। तो जैसा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम वैसा ही हमने यहाँ पे बना लिया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो मैथ का नोटबुक है एमएस वर्ड में कैसे बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए कंप्यूटर सेटेड और भी नई वीडियो जैसी अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।